हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है या जिनको नीज में प्रॉब्लम है और वो नीज की प्रॉब्लम की वजह से अपना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं पर अपनी बॉडी वेट की वजह से या पेन की वजह से वो वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपको इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, उन एक्सरसाइजेस को आप अपने घर में, अपने घर के अंदर एक छोटे से स्पेस में आराम से उस वर्कआउट को कर सकते हैं। उन वर्कआउट को करने के साथ साथ में अपना आपने डाइट को भी अच्छे से मैनेज करना है। अपने जो अपना डाइट प्लान है उसमें भी आपने हेल्दी फूड को अपना उसमें ऐड करके चलना है और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने मेडिटेशन से दूर रहना है। आप धीरे धीरे जब वर्कआउट करना शुरू करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका जो वेट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो आपके घुटनों का दर्द है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, उनको आप करिएगा तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पहली एक्सरसाइज जो है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अपने जो हाथ हैं उनको ऐसे करके घुमाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आपकी आर्म्स का जो फैट है, आपका शोल्डर्स का जो फैट है, आपका आर्म मीट का जो फैट्स हैं वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप एक दिन नहीं करेंगे, डेली करेंगे। अगर आपको ऐसे करने प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, 10 टाइम आप एक हाथ से करेंगे, फिर 10 टाइम दूसरे हाथ से करेंगे, या हो सके तो आप दोनों हाथ से इकट्ठा करेंगे। जितना आप करोगे आपको धीरे धीरे जो है आपका अपर बॉडी के जो फैट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ये इजी एक्सरसाइज है, वो बहुत ही आप लोगों के लिए फायदे में रहने वाली है, क्योंकि जिन लोगों का इस पार्ट में जो फैट्स है बहुत ज्यादा है, जिनकी इस पार्ट में फैट्स है या जिनकी आर्म्स में बहुत ज्यादा फैट्स है, उनके लिए ये जो वर्कआउट है बहुत ही फायदे का है। तो इस वर्कआउट को आप डेली जो है वो करेंगे, पहले एक हाथ से करेंगे, 10 टाइम आप एक हाथ से करेंगे, 10 टाइम आप दूसरे हाथ से करेंगे, और जो अच्छे से कर सकते हैं वो दोनों हाथ को इकट्ठे करके करेंगे। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जो है आपके जो मसल्स है उनमें खिंचाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जो आपकी लटकी हुई स्किन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, और जो आपका यहाँ यहाँ एरिए का जो फैट्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी एक्सरसाइज पे हम आते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको जिनको ये वाला वर्कआउट करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको ये नीज में प्रॉब्लम है, जो इजली अपने घुटनों को नहीं उठा सकते हैं, ये उनके लिए वर्कआउट है जिसमें आपने अपनी टांग को उठाना है, पूरी टांग को उठाना है। अगर आपको मुश्किल होता है कि आप अपनी टांग को ऐसे करके नहीं उठा सकते हैं तो आपने जो है अपनी टांग को पूरा उठाना है और कोशिश करना है कि अपने हाथों को टच करना है। ये स्टार्टिंग में आप टच नहीं कर सकते हैं, जिनका वेट ज्यादा है उनके लिए मुश्किल है, पर फिर भी आप एक्शन वो ही करेंगे। टेन टाइम एक साइड, 10 टाइम दूसरी साइड करेंगे, या 10 टाइम ऐसे करेंगे, या हो सकता है पॉसिबल तो 10 टाइम ऐसे करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका बॉडी का जो फैट है उसमें खिंचाव पड़ेगा, उसमें आपको बॉडी को आपके जो टमी का जो जमी हुई चर्बी है उसमें खिंचाव पड़ेगा और आपका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि आपको टांगे जो है वो स्पीड में नहीं चलानी है, स्लोली स्लोली। ऐसे और फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही फायदे की, आप मतलब शुरू से जब भी एक्सरसाइज के बारे में जब भी सर्च करते होंगे या आपको
एक्सरसाइज देखने को मिलती होंगी, तो आप बहुत टाइम जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगी वो देखने को मिलती होगी, जो इस तरह है। पर फ्रेंड्स आप इस एक्सरसाइज को मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, जिनका वेट ज्यादा है, जिनको घुटने में दर्द ज्यादा है, तो उसके लिए आपको इजी एक्सरसाइज ये रहेगी, जो आप इजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको आप करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बट ये जो है आपकी बॉडी में ना तो दर्द करेगी और ना ही आपको करने में कोई मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि इसमें आपको कोई जंप नहीं करना होगा और वो बॉडी को आपकी धीरे धीरे आपकी जो चर्बी है उसको पिघलाने में भी काम करेगी। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। फ्रेंड्स आपको अगर अपनी बॉडी का वेट रिड्यूस करना है तो आपको थोड़ा तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप अगर चाहे तो उस एक्सरसाइज को स्लोली स्लोली जितना हो सके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और फिर अब आगे की जो बात आती है कि जो आपका यहां का जो फैट्स हैं, जब यहाँ के फैट्स आपके कम होंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी का पूरी बॉडी का जो फैट्स है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको इजी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। उसके लिए आप ऐसा करेंगे, अपने जो पैर हैं उनको ऐसे खोलेंगे दोनों तरफ, आप देख रहे होंगे इस तरह करेंगे, और अपनी जो आर्म है उसको इन तरफ ऐसे तरह करेंगे, और ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में इजी लग रहा है तो आप इसको थोड़ा टफ बना सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और इसको और भी अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो उसके लिए है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अनदर साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइजेस से, जो ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपके जो आर्म्स के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। मैक्सिमम लोगों का जिनका वेट ज्यादा होता है तो उनके जो मसल्स जो होते हैं वो ढीले पड़ चुके होते हैं यहाँ से, और प्लस उनको ये वाला पोर्शन में जो फैट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मैं बता रही हूँ कि जो ये इजी एक्सरसाइज है, और जिनका यहाँ यहाँ जो फैट्स है वो बहुत ज्यादा है, जो देखने में अजीब से लगते हैं, और जिनको ये वाले फैट्स बहुत तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए इजी एक्सरसाइज है, आप टांगों को वही रखेंगे स्ट्रेट, जिसमें आपके नीज पे कोई वो वजन नहीं पड़ने वाला है या उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला है, आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे और उसको आराम से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अगर आपको ऐसे भी इजी नहीं लग रहा है तो आप एक चेयर या स्टूल पे बैठ जाएंगे, और उस आप चेयर पे बैठने के बाद आप उसको आराम से बैठकर उसको करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी कि उसमें क्या करेंगे, आप पैरों को ऐसे ही रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, और उसके लिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे ही आप दूसरी साइड करेंगे, वन टू थ्री फोर
5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर पॉसिबल हो, अगर आप और ज्यादा इसको थोड़ा हार्ड करना चाहते हैं और ज्यादा आपका इस पोर्शन का जो फैट है इसमें जो धीरे धीरे आपके गायब होना शुरू हो जाएंगे, ये वाले पोर्शन के जो आपके यहाँ पे जो लव हैंडल बनते हैं या आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ इस पोर्शन में आपके बहुत सारे फैट्स हैं, तो उनको वर्न करने के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे आप इस पोजिशन में आ जाएंगे, इस पोजिशन में और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वैसे आप दूसरी साइड चलेंगे, उसको आप अपनी यहां का जो आपने अगर आपको वेट ज्यादा है तो आपने होल्ड बना के रखना है यहां से, और होल्ड बनाते हुए आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फ्रेंड्स, आपको अपना जो वेट रिड्यूस करना है पेशेंस के साथ में करना है, कि क्योंकि आपका जो वेट गेन हुआ है वो एक दिन या हफ्ते की बात नहीं है, उसको वेट को गेन करने में आपको टाइम लगा है, तो उस वेट को जितना टाइम लगा उससे हाफ लेके चलिए। कम से कम आपने धीरे धीरे जब आप वेट लॉस करेंगे अपनी बॉडी का या वेट धीरे रिड्यूस करेंगे तो आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपने वेट जो अपना रिड्यूस करने के लिए जो है पेशेंस रखनी है, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना है। तो उसके लिए हमारी आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी, इसमें आपको अपनी जो आर्म्स है वो उनको ऐसे चलाना है। ये वाली एक्सरसाइज क्या होगा कि आपकी जो आर्म्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको जो है इसको टफ करने के लिए आप धीरे धीरे बॉडी का मूवमेंट भी बढ़ा सकते हैं अपना। आपके जो ये वाला पोर्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जो आर्म्स हैं आपकी, और जो अपना पोस्चर है उसको आप ऐसे ही रखेंगे, कोई भी ऐसे नहीं करेगा, उसको ऐसे स्ट्रेट रखेंगे फिर ऐसे करेंगे। ये वाला जो है पोस्चर आपको इसलिए रखना है कि जो आपकी बॉडी है वो उसको मतलब अगर आप सीधा रखेंगे तो जो आपका रीढ़ की हड्डी में जो एक टेढ़ापन आया है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, और प्लस बहुत से लोगों का जो एज ज्यादा है या जिनका वेट ज्यादा है उनकी रीढ़ की हड्डी में नीचे जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो आपने पोस्चर को आपने गलत नहीं रखना है, सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है अपनी पीठ को, और फिर करना है आपने। इसी में आप दूसरा एक्शन कर सकते हैं कि जिसमें ऐसे और ऐसे ऐसे। इसमें देखिए आपके नीज का कहीं पे भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको घुटनों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं खड़े होंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपके घुटने काम करना बंद कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा उनको यूज में लाना है, जिसमें आप हल्का उसको यूज में लाएंगे तो धीरे धीरे जो है उसको ज्यादा यूज में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखिए इसमें आपका जो ये बॉडी का फैट्स है वो भी हिल रहे हैं, प्लस आपकी आर्म्स भी, तो आपकी ये पूरी बॉडी जो है इतने से ऊपर तक की पूरी वर्कआउट में कवर हो रही है, मतलब वर्कआउट में ऐड हो रही है, जिसमें ये बॉडी का जो पार्ट का जो फैट्स है वो हिल रहे हैं। इसको आप आराम से करेंगे, आप चाहें तो कोई म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिससे आप देखेंगे कि अभी इतनी एक्सरसाइज में ही मुझे पसीना आना शुरू हो गया है, आप आराम से देख सकते हैं।
और आप जब करेंगे तो आपको भी पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है आपके फैट्स को चलाने वाली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स, उसमें आप जो पैर है उनको ऐसे रखेंगे और जो आपका जो टमी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपका जो टमी का बैली का जो फैट है वो जल्दी ही बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स आपने, कि जो आपका टमी है, देखिए आप काम करते हैं तो आपकी लेग्स जो है वो काम में ऐड होती हैं, जो आपके आर्म्स हैं वो काम में, मतलब जो भी आप घर का काम करते हैं उसमें ऐड होती है, बट आपका जो टमी एरिया है वो ऐड नहीं होता है। तो इस रीजन से जो आपका टमी का जो फैट्स है वो वैसे का वैसे ही बरकरार रहता है। तो उसको आपने वर्कआउट में ऐड करना है अपने टमी को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्शन देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके लिए क्या करना है कि आपने अपने जो टमी को ऊपर नीचे करने के साथ साथ में सिकोड़ना है। आप समझ रहे होंगे कि उसको टमी को आपने ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे, आपने उसको सिकोड़ना है। आप सांस से मेरी आवाज से समझ रहे होंगे, मेरे हाथों के एक्शन के हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि आपने नीचे पेट को छोड़ना है और जब ऊपर लाना है तो उसको सिकोड़ना है। और इवनली ब्रीथ करना है, साथ में आपको ब्रीथ करना नहीं छोड़ना है। जिस एक्शन से आप अपने पेट को ऊपर नीचे करेंगे उसी एक्शन के साथ में आप सांस छोड़ेंगे और लेंगे, छोड़ेंगे और लेंगे, छोड़ेंगे और लेंगे। इसको डेली डियर्स आप अगर 20 मिनट्स करते हो तो आपको अपने घुटनों को या अपने पैरों को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको इजीली क्या करना है, अपने टमी को ही हिलाना है। जिसमें एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए और टमी, स्पेशली टमी को देखिए आप। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप अपने पेट को सिकोड़ेंगे और जैसे सांस छोड़ेंगे तो अपने टमी को छोड़ेंगे। ध्यान रहेगा फ्रेंड्स इसमें आप अपने जो घुटने हैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, नहीं तो आपको बैक पेन होगी और आपको दोबारा ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसको इजी करने के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि थोड़ा सा अपने घुटनों को बेंड करेंगे, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हल्का सा बेंड करेंगे, हल्का सा बेंड करने के साथ में आप अपने टमी को ऊपर नीचे करेंगे और जब ऊपर करेंगे तो उसको सिकोड़ेंगे और जब नीचे करेंगे उसको छोड़ेंगे। यही आप बार बार करेंगे। फिर से आप मेरे साथ करिए एक बार प्रैक्टिस। ये वर्कआउट जो है खाली आपके टमी को ही रिड्यूस करने वाला नहीं है, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सबको ये अच्छे से स्वस्थ बनाने वाली एक्सरसाइज है। जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मेथड में आप क्या करेंगे कि अपनी ऑक्सीजन को फुली आप टमी के अंदर लेके जाएंगे। जैसे हम सांस लेते हैं तो यहां तक ही लेकर के उसको वापस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को आप अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तो
इसमें क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन को पूरी तरह अंदर लेके जाएंगे। देखिए, जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सभी लोग इसको करिए। आपको इससे क्या होगा कि आपकी इंटरनल ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, जितनी आपके ऑर्गन को चाहिए वो सबको मिलेगी, जिससे क्या है आपका बॉडी वेट भी रिड्यूस होगा, प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन जो वो भी हेल्दी होंगे, और आपकी बहुत से जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम जो है आपकी, वो धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके बहुत ही फायदे की है। जो भी रामदेव जी का प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें भी आपको यही एक्सरसाइज जो है, कपालभाति जो है, वो आपसे बार बार करवाई जाती है, जिसमें आपने ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है। मेन जो उसका फोकस यही है कि आप जो है उनके एक्सरसाइज में भी बैठ के आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही आपने खड़े होके इस एक्सरसाइज को करना है, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। फर्क इतना है आप खड़े होके कर रहे हो, वहां बैठ के आप कर रहे हो, पर इतना है कि वो एक्सरसाइज जो है सेम मिलती जुलती एक्सरसाइज है, और इसमें आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो सभी हेल्दी होने वाले हैं, और साथ ही आपका जो स्पेशली जो आपकी हैंगिंग बेली है या आपकी बिग बेली है, जो आपकी बेली का फैट जो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप 20 मिनट इस वर्कआउट को अगर आप डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है फ्रेंड्स में मिलने वाले हैं। तो आप इसको जो है कंटिन्यू 10 मिनट्स करेंगे, या नहीं कर सकते तो 5 मिनट्स करेंगे, 2 मिनट्स आप उसका रेस्ट लेंगे, फिर से 5 मिनट्स करेंगे, 10 मिनट्स के लिए करेंगे तो आप 2 से 3 मिनट्स फिर से उसमें रेस्ट लेंगे। तो जब बीच में आप रेस्ट लेंगे और कंटिन्यूस को करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो वैली जो है उसका साइज जो है कम होना शुरू हो जाएगा, और प्लस जो अगर आपके अदर इश्यूज हैं, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही फायदे की है, और अगर मान लो सपोज आप इस एक्सरसाइज को और भी एडवांस करना चाहते हो तो उसके लिए देखिए, आपने टमी को तो साथ में हिलाना है, साथ में आर्म्स को भी हिलाना है, इससे क्या है आपका टमी का जो एरिया का जो फैट्स है वो भी रिड्यूस होंगे, प्लस आपके अपर एरिया का जो फैट है, जो अपर बॉडी का फैट्स है, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें घुटनों के दर्द की वजह से हम वर्कआउट नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, या सब लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि हम जंप नहीं कर सकते हैं, या हमारे लिए उछलना कूदना इजी नहीं है, या हम घुटनों को ऐड करके वर्कआउट नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा और इजी वर्कआउट है, जिसमें देखिए आपने कुछ नहीं करना है, खड़े होना है और अपने टमी को अप डाउन करना है, थोड़ा सा घुटनों को बेंड करेंगे हल्का सा, और ऐसे बस आपने जो ये अपना नाभि का जो एरिया है इसको सिकोड़ना है। कोशिश करिए उसको सिकोड़ने की, बहुत ही इजी है। और अगर आप लोगों को घुटनों में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वर्कआउट को अगर आप करेंगे, इसमें देखिए जो नेक्स्ट मैं आपको जो वर्कआउट एक्सरसाइज दिखाने वाली हूँ उसको अगर करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है आपने कि ये वाली चीज जो है आपने इससे मिलानी है, आपने कोशिश करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए आपसे ये वाली चीज अभी ये अगर यहां से नहीं मिल रही तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, फिर भी आपको वर्कआउट अधूरा नहीं है, कोशिश करना शुरू कीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा तो आपकी ये वाली चीज इससे मिलना शुरू हो जाएगी। वो ही दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वर्कआउट है आपके ये वाला जो जिनका टमी जो स्टबन जो आपका फैट्स है वो आपका हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं,
उनके लिए ये स्पेशली मैं आपको वर्कआउट बता रही हूँ कि इसको आप 10 टाइम एक साइड 10 टाइम दूसरी साइड और जो ज्यादा कर सकते हैं तो 20-20 टाइम करेंगे, 30-30 टाइम करिए, आपको एक महीने में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वर्कआउट मैं आपको बताती हूँ जिसमें आपने एक टांग को ऐसे रखना है, आपने एक ऐसे रखेंगे और ऐसे करके देखिए मेरी पोजीशन समझिए कि जैसे जो मैंने ये पोजीशन बनाई है इसमें आप क्या करेंगे कि अपनी लेग को ऊपर लेके आएंगे और हाथों को दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये एक्शन समझ लीजिए, हाथ ऐसे रखेंगे, पहले लेग को ऐसे रखेंगे, अपने हाथों को उधर लेके जाएंगे और टांग को उधर लेके आएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है साइड का फैट कम करने के लिए, टमी का फैट कम करने के लिए। जिनसे और एक्सरसाइज नहीं हो रही है, जो एक्सरसाइज बता रहे हैं आप डेली करेंगे तो आपका एक महीने में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे ही दूसरी साइड करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको जितना पॉसिबल हो, जितना आप कर सकते हो, कि जितने बार उसको रिपीट कर सकते हो उतना करिए आप। जितनी एक्सरसाइज है आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो नेक्स्ट मैं आपको जो बता दूं उसमें इजीली आपने क्या करना है, 1, 2, 3, ज्यादा नहीं उठा, धीरे धीरे उठाइए, उसको नहीं उठ रहा है जिनसे वो ऐसा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप जब लेग्स को वर्कआउट में लाएंगे तभी आपकी लेग्स का जो वेट है वो कम होगा, तभी आपके जो पैरों का दर्द है वो कम होगा और तभी आपके घुटनों का जो दर्द है वो कम होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए उसके लिए अब आपको मैं जो बता दूं तो उसके लिए अगर जो कर सकते हैं वो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वही आप आर्म का जो है अपना वो चेंज कर देंगे ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके एडवांस आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसको आप डबल कर दीजिए या 3 बार कर लीजिए, आप जितना मर्जी इसको ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए। और अगर आपको इसके भी ज्यादा कुछ आपको टिप्स चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।